वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। इंटरफेरेंस इन द फ्लाइट के न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर टाइम एग्जाम में आता ही है फॉर 3 to 4 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए तो आनी ही है, तो इतने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है और इतने सारे टाइप्स मैंने इसमें बनाए हैं ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हर न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से सॉल्व करो एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करो। सी इफ यू वांट 3 मार्क्स देन यू हैव टू पुट एफर्ट्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप से इन दिस वी आर गोइंग टू कंसीडर sums based on intensity of light. Okay, sums based on intensity of light. तो सबसे पहले तो सारे फॉर्मूले कलेक्ट कर लेता हूं। मैक्सिमम मुझे क्या क्या पता है, चलो लिख देते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्प्लीट्यूड, है कि नहीं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्प्लीट्यूड, ये तो हमें कंफर्म पता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी इसमें सम्स ज्यादा करके रेशो वाले पूछते हैं, किस कौन से रेशो वाले। तो दो वेव्स है ना, क्योंकि सुपर पोजिशन में तो दो वेव्स है, इंटरफेरेंस में दो वेव्स है, दोनों की इंटेंसिटी का रेशो। तो दोनों की इंटेंसिटी का, तो इसको मैं सिंपली बोल सकता हूं, इसको ऐसे याद रखू क्या, इंटेंसिटी इज Ka² सिंपल ऐसे याद कर सकते। अब जब मैं इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड करूंगा तो के के कैंसिल हो जाएगा, तो इंटेंसिटी का रेशियो इज A1 अपॉन A2 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो दो वेव्स दी है, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड हमें पता है और दोनों की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, दोनों की इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है। तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 द होल स्क्वायर। व्हेन यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव्स इज नोन टू यू, एंड हमें क्या फाइंड करना है, I1 अपॉन I2 का रेशियो फाइंड करना, जो भी है, तो रेशियो वाला। तो इसी से रिलेटेड ये वाला फॉर्मूला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। देन हमें पता रिजल्टेंट, क्योंकि दो वेव जब आके मिलेंगे, जिस पॉइंट पे आके मिलेंगे वहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या आएगा, रूट ऑफ A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 cos phi, है कि नहीं? तो मैं सिंपल में बोल सकता हूं कि एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है रूट ऑफ A1² plus A2² plus 2A1A2 cos phi। ये फॉर्मूला कब यूज करते हो, जब दो वेव्स आके सुपरइंपोज होता है तो वहां पे एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या, ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वहां पे दो वेव्स आके सुपरइंपोज हुआ तो वहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है, उसका फॉर्मूला ये A is equal to root of A1² plus A। अभी आप चाहिए तो इसको A² लिख सकते हो, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, A² okay, और A² को आप इंटेंसिटी लिख सकते हो। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू के टाइम्स A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 cos phi, k इज एनी कांस्टेंट। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के बदले क्या डालेंगे, I1, ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बदले क्या डालेंगे, I2 प्लस 2 रूट ऑफ, क्योंकि ये A1A2 है तो I1 I2 cos phi। बच्चों ये चीज याद रखना कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बदले आप इंटेंसिटी डाल सकते हो, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बदले मैंने क्या डाला, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बदले क्या डाला, इंटेंसिटी, पर यहां पे एम्पलीट्यूड था तो एम्पलीट्यूड के बदले आप रूट ऑफ इंटेंसिटी डाल सकते। तो ये जो बड़े बड़े फॉर्मूले ना, ये मैंने ऐसे लिखा, ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, कि भाई दो वेव्स आगे मिले किसी भी पॉइंट पे, जब वो मिलेंगे उनमें अगर फेज डिफरेंस phi है, फेज डिफरेंस कितना है phi, देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना रहेगा और रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी रहेगी, एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, इंटेंसिटी कितनी रहेगी। इंटेंसिटी की मैंने a के फॉर्म में भी लिखा है, इंटेंसिटी मैंने i के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, ओके। नाउ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी,
मैक्सिमम इंटेंसिटी में एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम रहेगा. व्हेन क्रेस्ट फॉल ऑन क्रेस्ट, थ्रफ फॉल ऑन थ्रफ, तभी एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है A1 प्लस A2. मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब फेज डिफरेंस जीरो, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा A1 प्लस A2. तो इंटेंसिटी मैक्सिमम अपॉन इंटेंसिटी मिनिमम, इसका अगर मुझे रेशियो फाइंड करना है तो सिंपली A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर. मैक्सिमम में एम्पलीट्यूड क्या रहेगा A1 प्लस A2. ओके, यही वाला फॉर्मूला. पर अभी इंटेंस आई मैक्स डाला तो ये A1 प्लस A2 डालेंगे, और आई मीन डालोगे तो ये A1 माइनस A2 डालोगे. दोनों का रेशियो लिया तो K क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो आई मैक्स अपॉन आई मीन इज A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो है, इसको अच्छे से नोट डाउन करो. अभी कभी कभी आपको सपोज ये दिया रहेगा इंटेंसिटी I1 I2 दिया रहेगा. अभी A1 A2 नहीं दिया रहेगा, I1 I2 दिया रहेगा. यस, अगर दोनों वेव्स का इंटेंसिटी दिया रहेगा तो यही फॉर्मूला हम लिखेंगे, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये IMAX अपॉन IMIN के फॉर्मूले. तो जनरली ये इंटेंसिटी के फॉर्मूले जिसके ऊपर सम्स आते हैं. फिर से एक बार बोल रहा हूं, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू KA स्क्वायर. हमें क्या क्या दिया रहेगा, दो वेव्स है क्योंकि सुपर पोजिशन का कॉन्सेप्ट है, तो गारंटेडली दो वेव्स दिए रहेंगे. तो दो वेव्स है, दोनों का एम्पलीट्यूड दिया है A1 A2, या फिर दोनों की इंटेंसिटी दी है I1 I2, उससे हम चीजें फाइंड कर सकते हैं. सपोज दो वे, दोनों का एम्पलीट्यूड दिया है A1 A2, ओके, और इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला सिंपली लगा सकते हैं. दो वेव्स जिस पॉइंट पे आके मिलेंगे उस पॉइंट पे फेज डिफरेंस फाइव है. टू वेव्स व्हेन दे अराइव एट सम पॉइंट एंड लेट अस से देयर फेज डिफरेंस इज फाइव, देन एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला, और ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला A के फॉर्म में, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला I के फॉर्म में. आपको क्या दिया है, आपको दिया क्या है डेटा में, A1 A2 दिया है, I1 I2 दिया है, उस हिसाब से फॉर्मूला यूज करो. और जब सेम फेज में आके मिलेंगे मतलब क्रेस्ट फॉल ऑन क्रेस्ट, ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ, तभी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, एम्पलीट्यूड होता है A1 प्लस A2. और जब इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है दैट इज क्रेस्ट फॉल ऑन ट्रफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तभी एम्पलीट्यूड होता है A1 माइनस A2, तो तभी ये फॉर्मूला लगा सकते. अगेन विच डेटा यूज गिवन टू यू, A1 A2 दिया हुआ है कि I1 I2 दिया हुआ है. तो ये सारे फॉर्मूले एकदम पहले दिमाग में फिट कर दो, वीडियो को पॉज करो, फॉर्मूलों को अच्छे से नोट डाउन कर लो, बाय हार्ट करो, और फिर हम चालू करते हैं सम्स सॉल्व करने. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग सम्स. यस, तो सम स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पे सम आ रहा है, बहुत सिंपल सम है. ठीक है, तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करो. चिंदी सम है, कुछ है ही नहीं सम में. टू कोरेंट सोर्सेस है, दोनों के इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है 25:1. दो कोरेंट सोर्स है, दोनों के इंटेंसिटी का रेशियो है 25:1, और दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा हुआ है. तो चलो, दोनों के इंटेंसिटी का रेशियो दिया है और दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा है. तो बताओ क्या लगाएंगे फॉर्मूला, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 द होल स्क्वायर लगाएंगे कि नहीं, दोनों के एम्पलीट्यूड का पूछा हुआ है. अच्छा, ये वैल्यू कितनी दी है, 25/1, स्क्वायर यहां पे आ गया तो रूट बन गया A1 अपॉन A2. तो बच्चों A1 अपॉन A2 का वैल्यू कितना आएगा, 5/1. मस्त बॉक्स कर दो, हो गया सब रेडी. तो आप बहुत सारे बच्चे बोलते सर इतना इजी सब एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है, तो कुछ नहीं आता है, एक मार्क के लिए भी आ सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते, यू हैव टू प्रैक्टिस. ओके, सिंपल है, फॉर्मूले सामने, आपने को क्या करना है, सिर्फ ट्राई करना है. ये नेक्स्ट सम जो मैं आपको दे रहा हूँ, स्टार्ट सॉल्विंग, देखो आंसर आ रहा है क्या, स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम. Yes, तो आई होप आपने सम को सॉल्व किया रहेगा, अगर नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. ओके, तो चलो सम को स्टार्ट करते हैं. इन यंग्स एक्सपेरिमेंट मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है. अच्छा ठीक है, फिर तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है, मतलब IMAX अपॉन IMIN इनका रेशियो दिया हुआ है 36:9. ओके, ये IMAX और IMIN का रेशियो दिया 36:9, और हमें फाइंड करना है इसके इंटेंसिटी का रेशियो. वो जो दो वेव्स है ना उनके इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है.
देखो सिंपल वे में ना आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू, बट माई एडवाइस विल बी यहाँ से सॉल्व करो, चल जाएगा फटाक से। देखो स्टार्ट करते हैं, एकदम सिंपल है। What is IMAX upon I mean? फॉर्मूला लिखते हैं, कौन सा फॉर्मूला? A1 plus A2 the whole square upon A1 minus A2 the whole square. Therefore, A1 plus A2 the whole square upon A1 minus A2 the whole square is equal to 36:9. Square वहां पे जाएगा, रूट हो जाएगा, तो A1 plus A2 upon A1 minus A2 is 6/3. 3 ones are 3 twos are, तो 2:1. तो A1 plus A2 और A1 minus A2 2/1 मिला। यहाँ पे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो मतलब ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसको इसको ऊपर प्लस करो और इसी चीज को नीचे माइनस करोगे। आई होप आपको पता रहेगा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या। ये दोनों को प्लस किया न्यूमरेटर में, अभी इन दोनों को डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं, माइनस। दिस माइनस दिस, माइनस करोगे तो साइन चेंज होगा, गड़बड़ नहीं कर रहा है भाई, ये छोटे छोटे चीजों में ना पूरा ना रॉन्ग करके बैठ जाता है। तो ऊपर प्लस कर दिया, नीचे माइनस कर दिया, अब बच्चों ये कैंसिल हो गया तो 2 times A1 आ गया। अच्छा यहाँ पे अयो ये भी कैंसिल होगा, सॉरी ये कैंसिल हो गया तो 2 times A2 आ गया, तो ये 3:1, 2 2 2, therefore A1 upon A2 is equal to 3/1. ठीक है, A1 upon A2 का वैल्यू कितना है, 3/1। अभी मुझे इंटेंसिटी चाहिए, तो अपने को पता है भाई कि सेकंड स्टेप ऐसे लगा सकते हैं, I1 upon I2 is A1 upon A2 का स्क्वायर। अच्छा A1 upon A2 कितना मिला है, 3/1 का स्क्वायर, तो 3/1 मतलब क्या हो जाएगा, 9:1। I hope you are understanding. Easy लग रहा है, कॉपी कर लो। Okay, अच्छे से सुनो, पहले ये सम करो और रेडी हो जाओ नेक्स्ट सम के लिए, जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दिया हुआ है। आई वॉन्ट यूर सॉल्विंग नेक्स्ट सम। Yes. Now, थर्ड सम अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा रहेगा तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी सम है, बहुत इजी सम है, थोड़ा ना ये कहानी वाले सम से, ऐसे सम से आने वाले हैं, तो थोड़ा फीलिंग के साथ करना है, मतलब ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के फीलिंग्स के साथ करना है। अभी ये सम में हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी रेशियो ऑफ द टू पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट। तो चलो भाई दो सोर्सेस है, थोड़ा कहानी समझ लेते हैं, एक S1 एक S2 और ये स्क्रीन है, और यहां पे दो पॉइंट्स बने हैं, लेट अस से P एंड लेट अस से Q, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, दो पॉइंट्स जो है उसका नाम X और Y। ओके, तो दो पॉइंट्स है X और Y ऑन दी स्क्रीन। ओके, इधर इन दोनों पॉइंट्स के इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड करना, इन दोनों पॉइंट के इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड करना, ठीक है। सो दो पॉइंट्स दिए स्क्रीन पे, ओके, और ये दोनों पॉइंट के इंटेंसिटी का रेशो हमें फाइंड करना है, ठीक है, IX upon IY हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। यहां पे उसने बोला है कि एक्स पॉइंट पे लेटर से पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा एक्स बोल देंगे, यहां पे जीरो है और यहां पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 4 है। तो ये दो वेव्स में इस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस कितना है, 0, और इस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 4। ओके, तो इंटेंसिटी फाइंड करें, चलो फाइंड करें। व्हेन पार्ट डिफरेंस इज 0, इस पॉइंट का फाइंड करते हैं इंटेंसिटी जब पार्ट डिफरेंस 0। अभी मुझे बताओ फेज का फॉर्मूला क्या है, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है 2π Δx/λ। ये हमने वेव मोशन में देखा था, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस, लर्न करो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस। अभी पाथ डिफरेंस कितना है, 0, तो फेज डिफरेंस भी कितना रहेगा, 0।
तो व्हेन पार्ट डिफरेंस इज जीरो फेज डिफरेंस इज जीरो, जब पार्ट डिफरेंस जीरो तो फेज डिफरेंस जीरो, तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा उसका के टाइम्स, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि एम्पलीट्यूड लेट अस से सेम है दोनों का, तो कोरेंट सोर्सेस है तो सेम एम्पलीट्यूड, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस जीरो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस जीरो, कॉस जीरो इज वन, तो इंटेंसिटी ऑफ एक्स इज गिवन बाय के ए वन प्लस ए टू द होल स्क्वायर, चलेगा ना, क्योंकि बचेगा क्या ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू, जिसको हम लिख सकते हैं a1 plus a2 the whole square. देखो अच्छे से समझाएगा, ये इंटेंसिटी एट पॉइंट x है. Now, when path difference is lambda by 4, तो phase difference कितना आ जाएगा 2 pi delta x upon lambda. Delta x की वैल्यू अभी lambda by 4 है, so 2 pi upon lambda into lambda by 4, ये cancel हो गया 1 जा 2 जा, तो ये pi by 2 आया. तो y पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या आ जाएगा k, फॉर्मूला तो वही लगेगा ना इंटेंसिटी का, इट इज ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू इज 90, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो आंसर आएगा k ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर. मुझे दोनों इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है, तो आई एक्स अपॉन वाई आई वाई इज इक्वल टू, बच्चा k कैंसिल हो जाएगा, ए वन प्लस ए टू द होल स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, ये बात समझा, ए वन प्लस ए टू द होल स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर. अभी सोचो एम्पलीट्यूड सेम है, अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो क्वेश्चन में देना चाहिए था नहीं दिया, तो अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो ए प्लस ए ये हो जाएगा टू ए, ओके द होल स्क्वायर अपॉन ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा फोर ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, टू वन जा टू टू जा, आंसर आएगा टू ए टू वन. समझा कैसे किया, तो हमने पाथ डिफरेंस से फेस डिफरेंस निकाला क्योंकि हमें फॉर्मूला में तो फेस डिफरेंस चाहिए, तो पहला चीज तो ये समझ लो व्हेनेवर पाथ डिफरेंस इज गिवन टू यू हाउ यू विल कैलकुलेट फेस डिफरेंस, ये तो मैंने थ्योरी में भी बताया था 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा या फिर 2 पाई डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, तो ये पाथ डिफरेंस से फेस डिफरेंस बनेगा, तो तभी का इंटेंसिटी फाइंड करते, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड किया, दोनों वेव जब आके मिले पार्ट डिफरेंस जीरो है इंटेंसिटी फाइंड कर लिया, यहां पे दोनों वेव आके मिले पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 4 है इंटेंसिटी फाइंड किया, दोनों का मैंने क्या फाइंड किया रेशियो एम्पलीट्यूड सेम किया आंसर कर दिया. सो आई होप इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, यू विल गेट आंसर इजीली, थोड़ा दिमाग लगाओगे. एक लास्ट सम टेक्स्ट बुक में से जो आपके लिए जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट सॉल्विंग. Yes, my dear students, तो ये सम में सिर्फ कैलकुलेशन था, आई होप आपको सम आया रहेगा, नहीं आ रहेगा चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में 2 मार्क के लिए. दो स्लिट से जो सोर्स आए, दो सोर्स में से जो लाइट आया दैट उनकी इंटेंसिटी आई वन आई टू लेट अस से, और उसने क्लियरली दिया है, आप पढ़ो अच्छे से कि इंटेंसिटी ऑफ वन वेव इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर. ओके इंटेंसिटी तो डेटा में क्या दिया है, इंटेंसिटी ऑफ वन वेव is twice that of the other. Do you agree with me? ये clear statement आपको दिख रहा है कि भाई intensity of one wave is twice that of the other. एक की intensity दूसरे से double है. तो दो wave से, दो sources से, दो source से wave आई, एक की intensity दूसरे की double है. तो ratio find करना है dark और bright band और dark band के intensity का. मतलब bright का maxima और dark का minima. इन दोनों के intensity का हमें क्या find करना है? Ratio. So, हमें फाइंड करना आई मैक्स अपॉन आई मीन का रेशियो. चलो कोई बात नहीं, हमारे पास फॉर्मूला रेडी है, आई मैक्स अपॉन आई मीन इज रूट ऑफ आई वन प्लस रूट ऑफ आई टू द होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ आई वन माइनस रूट ऑफ आई टू द होल स्क्वायर. ठीक है, तो इसको हम अभी सिस्टमैटिकली थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. आई एम सिंपली राइट इट एज आई मैक्स अपॉन आई मीन इज रूट ऑफ टू टाइम आई टू प्लस रूट ऑफ आई टू अपॉन रूट ऑफ टू टाइम्स आई टू
माइनस रूट ऑफ आई टू द होल स्क्वायर. तो आई वन और आई टू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. अभी रूट ऑफ आई टू कॉमन नहीं करना, रूट ऑफ आई टू इसमें भी कॉमन नहीं करना. तो आई मैक्स अपॉन आई मीन इज इक्वल टू, अगर ये आपको स्क्वायर तकलीफ दे रहा है तो यहां पे लेके और लास्ट में लेके जाना, इट इज अप टू यू. रूट टू आई टू बाहर निकला है, सोचो यहां से भी आई टू बाहर निकला, रूट आई टू बाहर निकला, तो बचा हुआ क्या कॉमन निकला, रूट ऑफ आई टू कॉमन निकला है ना, रूट ऑफ आई टू कॉमन निकला, रूट टू बचा, रूट ऑफ आई टू कॉमन निकला, वन बचा. नीचे से भी रूट ऑफ आई टू कॉमन निकला, तो यहां से रूट टू माइनस वन, रूट ऑफ आई टू कॉमन निकला. अभी ये और ये कैंसिल हो गया, कुछ भूल गया ना अपन स्क्वायर डालने का, मैंने पहले बोला था स्क्वायर भूल सकते हो, तो यहां पे मैंने अभी स्क्वायर डाल दिया. तो व्हाट इज आई मैक्स अपॉन आई मीन, इधर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते सॉल्व करने के लिए, रूट टू प्लस वन, रूट टू माइनस वन, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू प्लस वन एंड द होल इन वन ब्रैकेट का स्क्वायर. तो यहां पे रूट टू प्लस वन द होल स्क्वायर अपॉन रूट टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर. इसको सॉल्व करो, ओके okay? और ये पूरा यहां पे ऑलरेडी एक स्क्वायर है, इसको सॉल्व करो क्या आएगा, रूट टू प्लस टू रूट टू प्लस वन बराबर है, और यहां पे रूट टू का स्क्वायर टू माइनस वन, और ये होल ये क्या आने वाला है, स्क्वायर आने वाला है बराबर है. तो रूट टू का स्क्वायर टू, वन का स्क्वायर वन, और यहां पे a प्लस बी द होल स्क्वायर लगा दिया. अब यार ऐड कर देते हैं, बहुत बहुत दिमाग खराब हो रहा है, तो इसको हम ऐड कर देते 1.414 रूट टू का वैल्यू 2 इंटू 1.414 प्लस 1, नीचे तो 1 हो गया, और इन सबका क्या करना है स्क्वायर. अभी यार इसको ऐड करना है तो ऐड करो और फिर उसका स्क्वायर फाइंड करते हैं. इसका आंसर आप चेक करो कितना आता है, 1.414 प्लस 2.828 प्लस 1 इसका स्क्वायर. तो भाई ये हो जाएगा 8 प्लस 4 12, 1 क्या ये बाजू में जाके सॉल्व करना, अगर नहीं आ रहा डायरेक्ट करेंगे 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 8 प्लस 4 12, 1 क्या ये 2 3 4 5 कुछ ऐसा आंसर आएगा का स्क्वायर. सॉल्व करना अप्रोक्सीमेटली 34 आना, 33 पॉइंट समथिंग समथिंग अप्रोक्सीमेटली 34 लिख सकते. तो ये आंसर आपको मिला फॉर सॉल्विंग एंटायर थिंग. कैलकुलेशन समझा, कॉन्जुगेट से कैसे मल्टीप्लाई किया, कैसे सॉल्व किया, सिंपली करके आया. चाहे तो वीडियो एक बार वापस देख लो, कैलकुलेशन से करो, एक बुक का सम ऐसे ही भयानक भयानक सम कैलकुलेशन वाले दिए, इतना भी भयानक नहीं, फोकस करके सॉल्व करो, आने वाला है. ओके So that's it. I hope you enjoyed, you understood intensity वाले सब. बहुत बहुत फुर्सत में मैं ये टॉपिक अभी बहुत सारे सम्स करने वाले, तो मजा आएगा, बहुत सारे सम्स आने वाले, मस्त सॉल्व करते रहे, और पूरा 3 मार्क की लड़ाई अपने को 3 मार्क बोर्ड्स के चाहिए, तो प्लीज प्रैक्टिस. डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे सम दिए, सॉल्व करो, और ये भी पहले सॉल्व करो, ठीक है, और मेन फॉर्मूले लर्न करो, कम से कम 10-15 बार लिख के फॉर्मूले लर्न करो, तब जाके दिमाग में बैठेंगे, तब जाके स्पीड आएगा, और ये सब चीज आपको सीईटी में भी यूज होने वाला है. ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच.